ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मुझे बहुत सी कमेंट्स मिल रही हैं जिनमें कि लोग पूछ रहे हैं कि गुरुजी कोई मारण मंत्र बताइए, कोई पैसों के लिए मंत्र बताइए, कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे कि स्थिर लक्ष्मी हम प्राप्त कर सकें। आजकल जो है महंगाई बहुत हो गई है और पैसे जो हैं वो रास्ते उसके बंद से हो गए हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको कि एक शक्ति में आज आपको बताऊंगा कि इस शक्ति को किस तरह से जागृत किया जा सकता है जो कि आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी को ले आएगी। और ये सबसे सरल साधना है, इसे कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान। इस शक्ति से आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। स्थिर लक्ष्मी उसे कहते हैं जो कि कभी समाप्त ना हो। यदि आप 10 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 100 रुपये और मिल जाएंगे। ये एक छोटा सा उदाहरण है। या फिर आप बिल्कुल ही, आपके पास 1 रुपया नहीं है लेकिन आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको गिरा हुआ धन मिल जाएगा। तो अनजान रास्तों से धन जो है आपकी ओर आकर्षित हो, आपकी तरफ खींचा चला आए, इस साधना को कहते हैं लक्ष्मी की गुप्त साधना, जो कि धनदा के नाम से प्रचलित है। इसमें आपको मैं एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का आपको गुंफन करना है। और इसको सिद्ध करने का बहुत ही सरल उपाय है यदि आप कर पाए तो। सबसे पहले क्या करना है, आपको कुम्हार के पास जाना है, वहां से चिकनी मिट्टी ले आनी है। तो यदि कुम्हार ना हो तो आप कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां पर कि चिकनी मिट्टी मिलती हो, और उस मिट्टी से आपको एक मूरत बनानी है माँ भगवती की। आपको लक्ष्मी देवी की एक मूरत बनानी है जिसमें कि आभूषण हो सोने के, मतलब आपको दिखाने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सोने के आभूषण पहनाएं, आप आर्टिफिशियल भी पहना सकते हैं। उस मूरत को आपको जो है गहने पहनाने हैं सोने के, और अच्छे से आपको उनका श्रृंगार करना है और उनका देवी का स्वरूप मानकर ये साधना आपको करनी है। जब इस प्रयोग को करना प्रारंभ करें उस दिन से 1 महीने पहले आपको सात्विक होना है। किसी भी तरह का व्यभिचार, किसी भी तरह का मादक पदार्थ, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि सब कुछ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आत्मशुद्धि होती है। यदि आप ही शुद्ध नहीं हैं तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। उसके बाद जो है माँ भगवती की प्रतिमा बनाएं और उनको नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित करें, और उसके बाद उन्हें माता के रूप में देखते हुए सूर्य की तरफ अपना मुख करें और अपना आसन लगाएं, एक दीपक जलाएं, अग्निदेव को आवाहन दें, और उसके बाद जो है आपको इस मंत्र का गुंफन करना है। गुंफन से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नवेद, मिठाई, कुछ लोबान, ये सब जो है मातेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए रखने होंगे। और इसके बाद त्रिकाल संध्या आपको प्रतिदिन 41 दिनों तक ये साधना करनी है। मैं आपको बता दूं, चाहे विश्व का गरीब से गरीब, दारिद्र से दारिद्र कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास पैसा रुकता ही ना हो, व्यापार में जो है उतार चढ़ाव लगा हो, फ़ायदा ना हो रहा है, मुनाफे के लिए आप ये कर सकते हैं, और इससे जो है माँ भगवती की कृपा आप पर हो जाएगी। और ऐसी कृपा होगी कि लोग कहते ना कई बार कि ये तो पहले प्लम्बर का काम करता था और एकदम से ये इतना धनी कैसे हो गया, तो लोग अचंभे में हो जाएंगे कि आपने 1 साल में ये इतना बड़ा ग्राफ चेंज कैसे कर दिया। ये सब कुछ होगा उस शक्ति से जो कि माँ भगवती आपको देंगे। स्त्री लक्ष्मी के लिए आज मैं आपको बताता हूँ, इसको शुक्रवार से शुरू कीजिएगा। शुक्रवार से शुरू करने के बाद आपको त्रिकाल संध्या 3000 की संख्या में मंत्र जाप करना है। त्रिकाल संध्या कहते हैं सुबह, दोपहर, शाम, ये एक ही समय आपको ले लेना है, और उसी समय पर जिस स्थान पर आप बैठेंगे उसी स्थान पर आपको करना है। यदि आपके घर में मंदिर है और आप वहाँ पर इसको करते हैं तो वो चैतन्य हो जाएगा आपका मंदिर, और वो जो स्थान होगा वहाँ पर वो शक्ति विराजमान हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर आप अपने घर में कर रहे हैं और वो पुराना घर है और आप सोच रहे हैं कि उसको बेचने की, तो उस घर में मत कीजिएगा, एक नया घर लीजिए, उसमें इस प्रोसेस को कीजिएगा।
यदि इसी घर में आपको रहना हो तो फिर ये शक्ति जो है यहीं स्थिर रहेगी। जब तक आप इस घर में रहेंगे तब तक वो शक्ति आपको दिन रात आपका पालन पोषण करेगी, आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो ला कर देगी। मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीम रति प्रिय स्वाहा। इस मंत्र का आपको त्रिकाल संध्या 3000 की संख्या में जाप करना है। जैसे सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा ध्यान किया और उसके बाद जो है इस मंत्र का गुंफन करना शुरू कर दिया, और इसके बाद जो है दोपहर को यही क्रम और फिर शाम को भी, कि तीनों एक ही समय पर एक ही स्थान पर होनी चाहिए। 41 दिनों की ये साधना है। जब आप इसको पूर्ण कर लेंगे तो उसके भीतर ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके बंद व्यापार खुल जाएंगे, आपको कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे, सुअवसर आपके पास आएंगे जिनसे कि धन जो है आपकी ओर खिंचा चलाएगा। बहुत से लोगों की कमेंट थी, गुरु जी कुछ ऐसा बताइए जो कि दारिद्रता को दूर कर दे, इस टोटे को दूर कर दे। तो माँ भगवती की ये गुप्त साधना, ये जो है विरले ही किसी को पता होगी, और आज जब पब्लिक डोमेन में आई है तो आप देखिएगा किस तरह से जिन जिन ने इसको साध लिया उनके जो है भंडार भर जाएंगे। रातों रात जो है अमीरी जो है उनका दस्तक जो दरवाज़ा वो खटखटाएगी, और इतनी प्रबल शक्ति होती है ये कि गरीब से गरीब आदमी को राजा बना दे। लेकिन हर कोई राजा नहीं बन सकता, जो भी इसको सिद्ध कर पाएगा सिर्फ वही राजा बनेगा। आपका विचार कैसा है, आपके भीतर के आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, ये सब कुछ देखा जाएगा। तो यदि दूसरों के प्रति सद्भावना है, आप किसी का अहित नहीं करना चाहते, तो ये चीज़ें भी इसमें बहुत देखी जाती हैं। और जो पवित्र हैं, जो स्वच्छ हैं, यदि वो इसको करते हैं तो एक दो दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाता है। यदि किसी से वैर है और आप भीतर कुछ सोच रहे हैं, बाहर कुछ दिखा रहे हैं और फिर साधनाओं करते हैं, तो याद रखिएगा भगवती से कुछ भी छुपा नहीं होता, और जो नियति होती है उसको निमंत्रण नहीं दिया जाता। आपके भाग्य में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे अधिक आपको चाहिए तो ये जो है ये भगवत कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो कि उनके हाथ में ना हो, वो एक पलक झपकाएं तो आपका जो जीवन है वो बदल सकता है। उनके हाथ में आपकी जो माया है, माँ भगवती को माया भी कहा गया है, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। तो उनको प्रसन्न कर लिया मतलब ये जगत जो है ये आप ही की सुर में सुर मिलाएगा। इस मंत्र में आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी इसका प्रयोग करें तो आप एकांत में हों, और पूर्वमुखी होकर करना है, और सारा कुछ जो है वो लाल रंग में लेना है। कोई मिठाई लें वो भी लाल रंग की लें, कोई फूल लें वो भी लाल रंग का लें, और हिबिस्कस और गुड़हल ये फूल अवश्य रखें। इससे जो है अपने ग्राम देवता को, अपने इष्ट देव प्रसन्न करने के बाद को फिर इसका थाल में रखें, और फिर जो है जब भी आप कोई साधना शुरू करते हैं तो अपने ग्राम देवता को कुछ चढ़ाइए, कुछ उनको प्रसन्न करने के लिए उनको सबसे पहले दीजिए, और उसके बाद जो है ये कर्म जो है आपको शुरू करना है। यदि कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आए हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info@mohinividdya.com पर। धन्यवाद।